बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है, वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं, अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार, हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया, हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता विकास चाहती है। और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परमादरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। उन्हीं की अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। एक महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धरमैया जी और श्री डीके शिवकुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब ने अथक परिश्रम किया, उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की, एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित हो। हम जनता के सामने गए कुछ गारंटीज लेकर, हमें उन्हें पूरा करना है, जनता के लिए हमें काम करना है।